राधे राधे फैंस, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाए जा रहे हैं मूंगफली की बेसन वाली मसालेदार नमकीन। हमने 250 ग्राम मूंगफली दाने लिए हैं, इसको हम अच्छी तरह धोलेंगे। ये देखिए, हम दो बार इसको पानी से धो के छान लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। इसको हम छान लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए और मॉइस्चर बना रहे इसका। इसके लिए हमने मसाले ले लिए, मिर्ची पाउडर, बेसन, चावल का आटा, खटाई, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला और गर्म मसाला। अब हम मूंगफली में 4 चम्मच बेसन डालेंगे, 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार काला नमक और सफेद नमक, मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गर्म मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच खटाई डालेंगे। अब इन सब सभी सामग्रियों को हम मिला लेंगे, चम्मच की सहायता से मिला लेंगे इनको। ये देखिए, हमने मिला लिए हैं सब। अब थोड़ा थोड़ा करके इस पर पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाला गीला ना हो जाए। ये देखिए, अब 1 चुटकी हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 चुटकी हम खाने वाला रंग डालेंगे। ये देखिए, हमने रंग डाल दिया है इसमें खाने वाला। अब इसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए, हमारे मसाले अच्छी तरह मिल चुके हैं मूंगफली में। हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम थोड़े थोड़े करके मूंगफली डालते जाएंगे ताकि हमारी मूंगफली चिपके नहीं। हम पलटे की सहायता से मूंगफली को पलटते रहेंगे ताकि हमारी मूंगफली लगे नहीं और अच्छी तरह तल जाए। हमें इसको धीमी आंच पकाना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। हमारी बेसन वाली मसालेदार मूंगफली नमकीन तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, हम थोड़े थोड़े सब निकालेंगे नमकीन को। हम थोड़ी थोड़ी करके बेसन वाली मूंगफलियों को तल लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी मूंगफली तली जा रही है। ये हमारी दूसरी बार मूंगफली तैयार हो गई। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। हमारी सारी मसालेदार मूंगफली बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, हमने निकाल ली सारी मूंगफली। अब हम स्वाद अनुसार हींग पाउडर लेंगे और सारी मूंगफली और नमकीन मिला देंगे। ये देखिए, हमने मिला दी है और हमारी मसालेदार मूंगफली तैयार हो गई खाने के लिए। मार्केट फेल।
मिश्रा जी, सुरेश मिश्रा जी।